Hey guys, welcome to amazing new video. So guys, आज हम करवाने वाले हैं पीटीएम सर्विस और रोड भैया। बोल भैया कैसे हो? तो ये हमारे सर्विस सामान हमारे पास आया है और बहुत ही अच्छी सर्विस होने वाली है। तो मैं सर जी अभी टाइटल और थंबनेल देख कर तो क्या करते हैं वीडियो में एंड तक देखते हैं। एक चीज़ दिखा हुआ रोड भाई बिल्कुल बताएंगे, बहुत सपोर्टिव है। तो क्या सर्विस करते हैं भाई की कुछ चीज़ है वो देखना, डिस्क्रिप्शन के अंदर लोकेशन दूंगा। सर्विस करवानी हो भाई कॉन्टेक्ट करना, बहुत ही बढ़िया बहुत ही चीपेस्ट रेट की सर्विस करते हैं और काम बहुत बढ़िया। तो फिलहाल वीडियो को स्टार्ट करते हैं, प्लीज क्लिक मत करो, चैनल पर नए तो प्लीज़ वीडियो को शेयर मार देना, सब्सक्राइब कर देना, दोस्तों के साथ तो मिलते हैं। तो भाई फिलहाल देखो सामान वामान सब हो चुका है, हमारे भाई खोल रहे हैं साइड के पैनल्स, भैया भी खोल रहे हैं साइड के पैनल्स, फटाफट से सर्विस हो गई और बढ़िया। भैया एक बार अपनी लोकेशन बता दो एक बार। लोकेशन तो न्यू गैलेक्सी वेंचर हाउस, मतलब कैसे पालम गांव में आके आपको कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर दे दूंगा। तो जाट चौपाल के पास है भाई, बेसिकली मैं आपको बताता हूँ, जाट चौपाल यहाँ पे काफ़ी फेमस है, तो उनके नियर बाई भाई की शॉप है, रोहन नाम है भैया का। बाकी सर्विस तो भाई बहुत ही प्रॉपर होती है, जिसे कहते हैं भाई मैं बहुत सेटिस्फाई हूँ यहाँ सर्विस करवा के, प्लस सर्विस क्या काम भी करा कर, क्योंकि मैंने अपनी रिंग्स का काम भी यहीं से कराया था भैया के पास से, अभी तक मुझे कोई इशू नहीं आया। प्रॉपर मेरा प्रॉपर जो चीज़ थी वो प्रॉपर बंद हो गई, मेरा काम ओके रिपोर्ट एकदम हो गया। बाकी भैया जो भी होता है मुझे क्लियरली बता देते हैं कि इतना टाइम चला के फिर करवा लेना, जो होता है चेंज कर देते हैं, बता देते हैं, पार्ट बदला देते हैं, चाहे जैसे भी है, तो ऐसे करते हैं भैया, ठीक है। बाकी फिलहाल अभी सीट खोली है, साइड के पैनल से आगे नक्के तो निकाल दिए, बाकी यार थोड़ी क्लिप क्लिप में बनानी पड़ेगी क्योंकि वीडियो भाई ऐसे तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, तुम्हारे भाई की स्टोरेज फुल हो चुकी है यार वीडियोस बना के। तो भाई सपोर्ट करो तुम्हारे भाई को, तुम्हारा भाई जल्दी से आईफोन ले सकते हैं, क्योंकि ये भाई मेरा कैमरा मैन मेरा भाई है, बहुत ही सपोर्टिव भाई मेरा भाई विमल, तो इसकी वजह से ही मेरी वीडियो चल रही है। तो प्लीज़ भाई ऐसे दोस्त भगवान सबको दे, यही बोलूँगा। तो भाई इसमें बिल्कुल वैसे चलेगी वीडियो जिसे कहते हैं। तो भाई लोग देखो बेसिकली हमारा आज या तो खुल चुकी है भाई, पैनल्स वगैरह भाई बस नीचे का रह गया, ठीक है। बाकी ये भाई इतना चार्जर होता है बैटरी का, जैसे जिससे बैटरी चार्ज होती है, अभी मेरा ख़राब हो गया था तो वो तो भाई ने कर दिया था चेंज, ठीक है। बाकी ये अपना टैंक उतर चुका है, ये अपने एंजल्स वाले के टी एम पे वाला है, ये अलग ही लगते हैं भाई। बाकी कुछ अपनी ऐसी भाई एकदम कैसी लग रही है देख लो, एक बॉडी पार्ट के बाद और एक खाली बाइक कैसी लगती है ये देख लो भाई, सारी चीज़ें उतरती हैं और यहाँ से फ्यूल उठ रहा है, पैसा अंधा है, दोस्त ने डलवाया पेट्रोल, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, क्योंकि मेरे दोस्त बहुत दिलदार है भाई, ऐसे दोस्त भगवान प्लीज़ सबको दे, मैं तो यही बोलूँगा। तो ऐसा है कुछ अपनी बाइक के अंदर का सिस्टम, ठीक है। ये तो मैंने बता रखा था आपको, आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट लगा रखे हैं, बाकी जो रीमैप होता है मुझे भैया ने अभी बताया कि ये चीज़ कहीं बाहर जाती है और ये चीज़ रीमैप होकर आती है, तो ऐसा भी कुछ है, तो जो भी है कभी सोचा नहीं फिलहाल। लेकिन मैं एग्जॉस्ट लगवाने वाला हूँ भाई अपनी बाइक में, एग्जॉस्ट लगवाने वाला हूँ अपनी बाइक में, मैं फटाफट से भाई से बात हो गई कि इंजन मेरे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, भाई का लगवा लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो एकरा पॉलिक का मन है, बाकी जिस भाई को थोड़ी एग्जॉस्ट की नॉलेज है तो प्लीज़ मुझे बताना, करोल बाग में जाऊँगा, उसके बाद तो पूरी अमेजिंग अमेजिंग वीडियोज़ आएगी मोटर ब्लॉग्स भी आपको जल्दी देखने को मिलेंगे मेरे चैनल के ऊपर। बाकी भाई क्या ही दिखाऊँ इस बाइक के अंदर, कुछ नहीं बचा खाली वायर 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 पूरी वायर वायर दिखेगी आपको, क्योंकि जो ये मेरा भाई है जो करता है भाई बहुत अच्छा काम करते हैं, भैया के साथ ही है और के टी एम का ओवरऑल काम यही दोनों भैया करते हैं बाइक का प्रॉपर तरीके से। बस ये खुलना रह गया, बाकी तो सब ओपन हो चुका है। बाकी ये अपना रेडिएटर का है, इसमें भी अभी कूलेंट चेक होगा कि कूलेंट कितना है कितना नहीं है, बाकी भैया मुझे सारी चीज़ ओके करके मुझे बता देंगे कि कैसे क्या सिस्टम पड़ेगा क्या सिस्टम नहीं पड़ेगा, ठीक है। बाकी भाई सारे पेजेस के अंदर ताकि घूमना जाए, ठीक है। ये चीज़ मुझे अच्छी लगती है कि एक बाइक का सामान एक जगह रखा जाता है यहाँ पर, कि भाई सामान मिक्स नहीं होना चाहिए, अगर सामान मिक्स हो गया फिर तो कोई मतलब ही नहीं है। बाकी ये देखो ये भैया की भी ड्यू खड़ी हुई है, जो ये ड्यू खड़ी हुई है क्योंकि ऑलमोस्ट ऑलवेज सारा के टी एम का भैया के पास ही होता है, ठीक है। बाकी मैं आपको सामान दिखा दूँ तो भाई देखो मोटर का एक हफ्ता सो है ओरिजिनल वाला है, ऐसे वहाँ सोचता कि नकली है, 40W50 वाला है, ये आपका ओरिजिनल के टी एम का एयर फिल्टर है भाई, ये आपका ऑयल फिल्टर और ये अपना पीछे फिल्टर जो आता है। बट भाई ये मैंने पिछली सर्विस में नहीं करवाया था, इस बार मैं लेकर आया क्योंकि मुझे भैया ने बोला अगर ये नहीं करवाता तो भाई मैं मेरी सर्विस और भी लो प्राइस में हो जाती। बाकी भाई आपको वीडियो का क्या करना है, एंड तक का वेट करना है,
ताकि मैं आपको सारी चीज़ दिखा सकूँ। ये अपना पेट्रोल का खुल चुका है, ऊपर की कैप खुल चुकी है, अपनी बेल्ट, अपनी सीट, अपनी बैटरी का कवर, ओवरऑल सारी चीज़। और जैसे जैसे सामान डलेगा उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ भाई कैसे कैसे चीज़ें डलेंगी। अभी तो नट्स वगैरह खुल रहे हैं फिल्टर वगैरह के लिए, क्योंकि अपना एयर फिल्टर तो भाई जैसे कहते हैं पर आएगा, ये तो पता ही है। बाकी भाई वीडियो को एंड तक देखना कि कैसे कैसे होता है चेंज, जो भी होता है जैसे भी होता है, तो वीडियो को देखते रहो। तो बेसिकली भाई देखो आप अपना फ्यूल जो पंप है वो अपना रिमूव हो रहा है, ठीक है, ये देख सकते हो, क्योंकि यहाँ से वायर डालनी पड़ती है पूरी एक टू साइड, उसके बाद ही होता है भाई ये चीज़ें, क्योंकि अभी जो भी लास्ट में फ़िल्टर वगैरह डलेंगे सब, क्योंकि यही फ़िल्टर डलेगा आपका, ये फिर लास्ट फिल्टर ये अपना पुराने वाला है जो लगा हुआ है, ताकि नए वाला भी लगेगा। वैसे भैया इसका जो फिल्टर का होता है उसका काम क्या होता है? वैसे ये है पेट्रोल फिल्टर, ठीक है, पेट्रोल फिल्टर, मैं पेट्रोल साफ़ वगैरह करना है जाने के लिए इंजन के अंदर, इसलिए होता होगा क्योंकि मैंने अपनी लास्ट सर्विस में तो हमें करवाया नहीं था, तो इस वाली सर्विस में हमने करवाया है। बाकी तो ये अभी भैया रिमूव कर देंगे इसको और अपना नया है वो डाल देंगे। भाई इनमें वायरों का बड़ा झंझट होता है भाई, एक चीज़ गई तो समझ लो पूरी चीज़ जाती है, तो जो काम होता है भाई एकदम आराम से होता है, ये नहीं जल्दबाजी में यहाँ पे काम कभी नहीं होता, क्योंकि बाइक भाई एक खुल जाती है ना तो प्रॉपर बंद होती है, ये नहीं है कि आपको दो घंटे में बोल के दे देंगे कि भाई ले जाओ, तो भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। तो फिलहाल ये निकल के बाहर आ चुका है, ताकि पेट्रोल वगैरह भाई ने पैक कर दिया ये अपना सामान, ठीक है, जैसे ही अभी चेंज वगैरह होता है मैं आपको दिखाता हूँ। बाकी भाई ये तो अपना आपको पता ही है, मैं एयर फिल्टर ले आया यहाँ के अंदर, लगा हुआ ये तो ये ऐसे लग जाएगा, तो कोई इशू वाली बात तो है नहीं इसके अंदर। और ये भाई इसकी बॉडी वॉडी खोलने में टाइम लगता है, बाकी सर्विस तो फटाफट होती है, बट लेकिन बॉडी का ध्यान रखना पड़ता है, कि भाई बॉडी अगर इन मक्के में कुछ टूट गया तो वैसे ही वाइब्रेशन और बढ़ जाती है। ये अपना आपका KTM का ओरिजिनल एयर फिल्टर है भाई, देख सकते हो क्वालिटी आपकी, इसके अंदर डेट भी डाल रखी है भाई 2 अगस्त 2022, ये देख सकते हो भाई। बाकी मैं आपको लास्ट में सामान बताऊँगा कि मैं सामान कितने का पड़ा टोटल, और टोटल सर्विस कॉस्ट क्या पड़ेगी भाई। मेरी लास्ट वाली सर्विस तो बहुत सस्ती थी, क्योंकि मैंने उसमें अपना जो पेट्रोल का फिल्टर था वो मैंने नहीं डलवाया था, सही बताऊँ तो, बट इस वाली में डलवाना, मैंने कहा चलो डलवा लेते हैं कोई दिक्कत नहीं है, 200-300 रुपये कोई बड़ी बात नहीं होती भाई, अपनी बाइक बढ़िया से रहनी चाहिए एकदम फर्स्ट क्लास, क्योंकि अपने पास एक ही बाइक है, आपकी द्वारा रहेगी तो दूसरी बाइक भी जल्दी आएगी। तो अपनी थोड़ी बहुत साफ़ सफाई चल रही है, बाकी तो भाई देखो उसमें मैंने आज देखा टॉर्क लिखा हुआ है, टॉर्क 0.25 to 0.3 kgm, मुझे नहीं पता क्या ये अपनी किट है, यहाँ पे छोटी सी किट डाल रखी है, और इस सीट को हटाने के लिए भाई पूरी जगह चाहिए, आपको नट वट खुलते हैं यहाँ से, उसके बाद ये सीट निकलती है, तो ऐसा भी कुछ होता है तो देखी जाएगी। बाकी भाई इसमें देखो अभी ये हो रहा है के साइड में गम डाला भाई ने, ताकि जिससे लगा रहा है देख सकते हो भाई, क्योंकि यहाँ पे जो काम होता है बड़े सेटिस्फाई तरीके से होता है, ये अपना चले जाएगा अंदर अपना, तो फाइनली एक काम तो चलो डन हुआ कि अपना एयर फिल्टर जो था वो डल चुका है, ताकि धीरे धीरे सारी चीज़ें होगी भाई यहाँ पे अपने फ्यूज़ आ जाते हैं भाई सारे, लेकिन बाइक थोड़ी बहुत हीट हो जाएगी, क्योंकि घर से चला के आया हूँ, देखो ये अपना फ्यूज़ का बॉक्स, बड़े ताम झाम है भाई आज मैं देख रहा हूँ, लेकिन स्टिल बाइक जब पावर देती है तो भाई ये सब भी होते ही उनमें तभी तो है। बाकी भाई अभी तो एक चीज़ डली है, उसके बाद अभी जैसे कंटिन्यू करते हैं सेकेंडरी चीज़ होती है, क्योंकि अदरवाइज वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, आप भी परेशान हो जाओ। तो फाइनली भाई अपने अंडर पैनल तो रिमूव हो चुकी है, अब तो एक काम हो चुका है फिल्टर का, अब बात आ रही है ऑयल चेंजिंग की, ठीक है, तो भाई मैं सब देखना आपको जो भी इसका, अब ये भी ये तो क्लीन होकर लग जाएगा जो भी है अपना साफ सुथ होके, क्योंकि भाई ऑयल ऑयल तो साफ ही लग रहा है, ज़्यादा डार्क हो रहा है, ऐसा ही निकलना चाहिए, तो भाई देख लो
थोड़ा कलर अगर आपको लग रहा हो हल्का सा, बिल्कुल ब्लैक नहीं है, ठीक है। बल्कि ये चीज़ है क्योंकि भाई मैंने भी रिसेंटली सर्विस करवाई थी, बट मैंने सर्विस अपनी टाइम से कराई है और हर बार मैं टाइम से ही कराता हूँ, क्योंकि भाई सर्विस एक बहुत मेजर चीज़ है। सर्विस कराते हैं उनकी गाड़ी ने कहीं साफ भी छोड़ दी भाई, हम इसका ध्यान रखते तो हमारी गाड़ी हमारा ध्यान रखती है। तो फाइनली चलो हमने अपनी टाइम पे सर्विस करवा ली, क्योंकि मेरी ये तीसरी सर्विस है अपनी रिंग चेंज के बाद, क्योंकि मैंने अपनी रिंग जब चेंज करवाई थी तो भाई भाई ने बोला था कि नॉर्मल स्पीड में चलानी है और अपनी जो भी है सर्विस करवा ली ना, उसके बाद आप थोड़ी बहुत भगाना चाहो अच्छी खासी तो भगा सकते हो। तो मैंने बस वही करा भाई, शायद कुछ टाइम बाद भाई चाइल्ड सर्विस में नया डलवाऊंगा तो उसकी वीडियो भी आपके पास ज़रूर आएगी जो भी है, क्योंकि यार इनसे मैं मजाक नहीं करना चाहूँगा, अपने टायरों से अपने इंजन के साथ मैं अपना कोई मजाक नहीं कर सकता भाई। तो फाइनली ऑयल तो निकल चुका है, जब ऑयल डलेगा तो भी दिखाएंगे, निकल तो यही है। तो काफ़ी गैस ऑयल निकला है कि ये नहीं कि बिल्कुल हमने गाड़ी बिल्कुल घस के चलाई हो कि सर्विस करवाना भूल गए हो, तो फिलहाल ऑयल तो ठीक है। बाकी तो ये देख सकते हो आप, जैसे क्या ही देखूँगा आपको भाई, अभी थोड़ा बहुत चैन सेट बचा हुआ है, जैसे फिलहाल देख थोड़ा बहुत चैन सेट बचा हुआ, थोड़ा कुछ टाइम चल जाएगा अगर चलाऊंगा तो। बाकी भाई इसमें अभी तक मैंने क्लच प्लेट नहीं डलवाई है सही बताऊँ तो, और क्लच प्लेट मैंने भैया से पूछा था तो भैया ने मुझे बताया था कि अगर आप नॉर्मली चलाते हो आपकी क्लच प्लेट कम से कम भी 30,000 किलोमीटर चल जाती है अगर आप नॉर्मली अपनी चलाओगे तो, और अगर थोड़ी रफ ड्राइविंग डैश ड्राइविंग करोगे तो भाई आपकी जो है क्लच प्लेट वो भी नहीं चलती है। अभी तक देखो 10,000 किलोमीटर चल चुकी है और भाई मेरी गाड़ी का पिकअप भी बढ़िया है, हर चीज़ बढ़िया है, तो वो भी कोई इशू नहीं है। बाकी ये भाई ने साफ करके अपना लगा चुकी है, बाकी तो नीचे से जब क्लोज करेंगे उसके बाद होगा अपना ऑयल डालेंगे। बोटल का 1.5 लीटर है भाई, इसमें 1.5 लीटर अंदर एक DTSI का भी आता है, वो थोड़ा मुझे लोकल क्वालिटी लगता है तो इसलिए मैंने वो नहीं डलवाता, मैं अपना मोटर का डलवाता हूँ भाई। तो ऑयल डलवाना अच्छा डलवाओ भाई, अपनी गाड़ी से क्या मजाक है ना, मजाक नहीं करते भाई अपनी गाड़ी से। ऑयल तो निकल चुका है, बाकी तो भाई करेंगे इस साइड से। बाकी यहाँ पे भी फिल्टर मिलेगा, इसका फिल्टर भी है भाई, फिल्टर आ चुका है, ये भी KTM का फिल्टर है, इसकी भी अनबॉक्सिंग कर दे क्या, ये देखो जो भाई निकाल रहे हैं, ये तो मैं चेंज करूँगा, ये मैंने लास्ट सर्विस में चेंज करवाया था स्टिल, पर तभी ये तो हर सर्विस में करवाना चाहिए, बट मैंने लास्ट टाइम पेट्रोल फिल्टर नहीं करवाया था और शायद उससे पहले भी नहीं करवाया था, तो पेट्रोल फिल्टर तो भाई मैंने लगभग 2-3 बार के बाद चेंज करवाया है। ये अपना KTM का है, क्योंकि भाई KTM की बैजिंग नहीं आती, बट ये खाली बॉक्स में आता है देख सकते, बट मैं लाया सामान सारा अपना ये बाहर से ही, इसकी हालत देखना भी जरूरी निकलेगा, इसकी हालत भी ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट ठीक होगी शायद थोड़ी बहुत। ये तो मैं चल चुका, ये तो भी क्या ऐप है भाई, ये तो खाया है, ये तो खाना खड़ा है, तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट खत्म हो गया भाई, है ना। क्योंकि भाई इन गाड़ियों में कुछ कुछ सामान रह जाते हैं, ठंडी के अंदर कुछ कुछ निकल जाते हैं, बाकी भाई मैंने सर्विस टाइम टू टाइम हो गई, भाई ने कहा था 10,000 रुपये करा लेना तो मेरी थोड़ी सी ज़्यादा चल गई, बट स्टिल मेरी सर्विस हो चुकी है फाइनली। आज उसके बाद आराम से 4-5,000 किलोमीटर चलेगी, आराम आराम से चलाऊँगा, फिर वापस आके सर्विस करवाएंगे, चीपेस्ट सर्विस अपनी, बाकी पार्ट वार्ट तो डलते रहते हैं भाई। बाकी ये अपना डल गया फिल्टर, कैप लग के अपने मोटे मोटे भाई देखो 2-3 काम हो चुके हैं, अपना एयर फिल्टर डल चुका है, अपना ऑयल फिल्टर डल चुका है, तीन चीज़ भाई अपने ऑयल निकल चुका है, ऑयल डलेगा और बाकी अपना एक फिल्टर डलेगा, पेट्रोल फिल्टर वो डला नहीं है अभी, भैया थोड़ा बिजी है, बट भाई ने थैंक यू भाई कि भाई बहुत बिजी रहते हैं, स्टिल भाई ने वीडियो के लिए सुबह सुबह जल्दी आया, मैं कि भाई ने कहा आप आगे बना लेना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो प्लीज़ भाई किसी को अपनी KTM काम करवाना तो भाई से कॉन्टैक्ट करना, बहुत बढ़िया काम करते हैं जिसे कहते हैं, और आराम से करते हैं, जल्दबाजी में भाई कोई काम नहीं होता है, मैं आपको पहले बता दूं, क्योंकि आपका काम ही भैया वाले भैया और वो वाले भैया दोनों मिलके करेंगे और दोनों ही अपने काम में बिल्कुल परफेक्ट है, तो कोई टेंशन मत लेना भाई, भरोसा कर सकते हो, तो ये मैं कह सकता हूँ, क्योंकि मैं बाहर अपनी बाइक किसी से हाथ नहीं लगवाता भाई, मैं हाथ अपनी बाइक को सिर्फ इन भैयाओं से लगवाता हूँ, किसी से नहीं लगवाता, क्योंकि मैं किसी पर ट्रस्ट नहीं करता बाहर, अपनी बाइक पे ट्रस्ट एक किसी से ही हो, किसी वजह से ही होता है, जो कि मेरा काम हुआ तो मुझे ट्रस्ट हुआ, बाकी आप भी करोगे तो आपको भी जल्दी ही होगा। बाकी भाई अब अपना आएगा ऑयल फिल्टर, ऑयल सॉरी ऑयल आएगा बोतल का 1.5 लीटर वाला भाई, 170 वाली
वैसे डेढ़ लीटर तो इनफ होता है ना, डेढ़ लीटर ऑलमोस्ट हमें डेढ़ लीटर डलते ही डलता है, उससे कम थोड़ा ज़्यादा भी डल जाएगा तो कोई इशू नहीं है, डेढ़ लीटर आप अच्छा भाई जैसे भाई होता है कि 200 थोड़ा कंपनी ज़्यादा डालती है, बट डेढ़ में भी प्रॉब्लम नहीं है, डेढ़ भी आपका चलता है इजीली। जैसे देखो हो रहा जैसे ये रखो, ये 1.7 का कुछ था भाई, ठीक है तो ये वाला भाई बोल रहे थे, बट इससे डेढ़ भी कोई इशू नहीं है, डेढ़ भी ठीक है, वो भी ठीक है, दोनों काम करेंगे आपका, बाकी कंपनी का है, लोकल नहीं है, हम ये कह सकते हैं। हाँ क्योंकि कंपनी की चीज़ भले थोड़ी दिलवाओगे वो भी चलेगी, सही बताओ तो मैं DTS पे भरोसा नहीं करता भाई, वो जो बजाज वाली आती है मुझे नहीं पसंद वाला एयर ऑयल, मैं तो अपना मोटर पे भरोसा करता हूँ भाई, अपना मोटर कर देगा, नीचे से लॉक कर दिया ना, बाकी तो भाई अपना काम धीरे धीरे तो हो ही गया है। फाइनली सर्विस की वीडियो आ गई, बहुत टाइम बाद इतनी चीप सर्विस आई है भाई, मैंने आप लोगों के लिए बनाई है भाई, वो ऑयल का कलर देखो एक बार कैसा होता है भाई, एकदम जैसा लगता है भाई ये, लेकिन पी मत लेना भाई, कहीं खुशी खुशी में पी लो, दिक्कत हो जाएगी भाई, ठीक है। फाइनली चलो मोटे मोटे काम तो हो ही गए गाइस, अपने एयर फिल्टर लग गया, नीचे का फिल्टर लग गया, ऑयल डल गया, बस जैसे भैया आएंगे फिर अपना पेट्रोल का फिल्टर डाल के और अपना क्लोज कर देंगे पूरा, थोड़े बहुत मैं आपको पैनल बंद करते हुए दिखा दूँ कि भाई पैनल बंद करने में भाई बहुत टाइम लग जाता है कभी कभार, क्योंकि नक्के टाइट करने में भाई में ना बड़ी मगजमारी होती है, लेकिन स्टिल धीरे धीरे काम सारे हो जाते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। आपको बाकी पता ही है, अपने यहाँ से ऑयल का चेक करते हैं, अपना ऑयल का कितना ऑयल डाल रहा है, बाकी भाई मैंने जब भी रिंग डलवाई थी उसके बाद मेरा ऑयल बिल्कुल भी कम नहीं हुआ, उससे पहले तो भाई कम होता जा रहा था स्टिल मेरा ऑयल कम ही नहीं हुआ भाई, काफ़ी अच्छी चीज़ लगी कि मैं इतने कम पैसों में मैंने बाहर से काम करवाया और अच्छा काम करवाया कि मुझे कोई कहीं भागने की ज़रूरत नहीं पड़ी, मेरा काम बहुत बढ़िया तरीके से हो गया। तो जिस भी भाई को कोई इशू है रिंग्स विंग्स का, उसका स्मोक का, भाई से मेरे से कांटेक्ट कर लेना, मैं भाई से कांटेक्ट करवा दूंगा काम, लेकिन ये है भाई को एक दिन के लिए शायद बाइक छोड़नी पड़ेगी, सुबह छोड़ के तो शाम को शायद थोड़ी लेट नाइट तक मिल जाए, क्योंकि भाई एक बाइक के ऊपर फिर पूरा ध्यान एक बाइक के ऊपर दिया जाता है, ये नहीं कि 10 जगह देखा जाता है, तो इसलिए बाकी भाई ऑयल तो देखो हो चुका है, वीडियो काफ़ी लंबी बन जाएगी भाई, जैसे अपना पेट्रोल वेट्रोल का होता है फिल्टर का तब मैं करता हूँ, बाकी क्लोजिंग के टाइम पे मैं मिलता हूँ आपसे। बाकी भाई देखो ये अपना चैन ल्यूब है, ठीक है, भैया ने बना रखा है बिल्कुल बढ़िया सा, क्या हम चैन ल्यूब भी करेंगे, क्योंकि भाई जैसे सर्विस होती है ना प्रॉपर सर्विस सेंटर में, बल्कि उससे अच्छी सर्विस मुझे यहाँ की लगती है, जैसे प्रॉपर तरीके से, क्योंकि अलावा गंदे ना तो क्लीन चल रहा है, अब इससे भाई अपना ये होगा कि अपने ना अलॉय गंदा नहीं होगा, जो छीन चैन में छीन पड़ेगा ना उससे गंदी नहीं होगी, उसमें तेल नहीं पड़ेगा, तो भाई अपना इसकी जैसे चैन की जो प्लेट्स होते हैं उसके ना पड़ी आते ना तो इशू आ जाता है, मतलब ब्रेक्स वगैरह लगते नहीं प्रॉपरली, वर्क नहीं करते, तो बाकी अपना काम तो एकदम प्रॉपर तरीके से हो जाता है, क्योंकि भाई वही अपना सर्विस सेंटर वाले भी यही करते हैं और क्या करते हैं, लेकिन हाँ उससे अच्छे तरीके से हमारे सामने काम होता है और अपनी बाइक समझ के ही करते हैं, वाली बात तो भैया कि भाई अभी देखो प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि सारा काम मैंने अपनी रिंग्स अभी यहीं से कराया था, आपको मैं वीडियो में बता चुका हूँ, किसी को भी कांटेक्ट करना है तो यहीं से काम है, ठीक है, कहीं भी जाना भाई भाई से कांटेक्ट करो, सारा काम प्रॉपर होगा भाई, ये तो अपना पुराने वाला फिल्टर है, चैन साफ हो चुकी है फिलहाल, पेट्रोल फिल्टर मिलेगा अभी, बाकी जैसे अभी न्यू होता था आपको बताऊँगा, बाकी फिलहाल ब्रो यहाँ से भाई ने थोड़ा नट लूज़ कर दिया, ठीक है, और अपनी हो रही है हल्के भी चैन टाइट प्रॉपर तरीके से, क्योंकि फिंगर अच्छा ज़्यादा एक्सपीरियंस है, हम जिस तरीके से चलाते हैं ना उस तरीके से चैन टाइट करते हैं कि जैसे कि बिल्कुल भी आवाज़ वाज नहीं आनी चाहिए, तो स्मूथली मतलब बेसिकली अपनी चीज़ ये है कि अपनी गाड़ी स्मूथ रन करनी चाहिए एकदम, तो इसलिए ये भी बाकी क्या लुक लग रही है अपनी देख रहे हो पीछे से मड़गाड़ के बाद क्या लुक आ रही है, और कितना वाइड टायर लग रहा है, उन्होंने वाइड एंगल कर रखा है इस टाइम इस वजह से, लेकिन टायर भी मैंने नहीं लगवाया था बाहर से, भाई बिल्कुल गंजा हो चुका था, बाकी अभी जैसे जैसे लूब होगा उसके बाद तो दिखाऊंगा मैं आपको, इस साइड से भी टाइट होता है, बट ये तो भाई जो आपका पर्सनल मैकेनिक है भाई वो ही आपको कर पाएगा कि प्रॉपर तरीके से, बाकी अभी लूब होता है तो मैं आपको दिखाता हूँ, तो बेसिकली भाई देखो चैन टाइट हो चुकी है, चैन देखो क्लीन लग रही थी पहले से, क्योंकि अभी मैं वॉशिंग भी कराऊंगा, वॉशिंग पहले कराने का मन नहीं था बट स्टिल अब वॉशिंग भी कराऊंगा, उसके बाद ल्यूब करते दिखाऊंगा, अभी फिलहाल भाई कर रहे हैं अपने ब्रेक ऑयल चेक, ऑयल कम होगा तो भाई डाल देंगे जैसे भी है प्रॉपर देख कर, थोड़ा बहुत कम है वो फिल कर देंगे आपको,
दोस्तों ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बल्कि इसमें बॉश का ऑयल मिलता है। इनसे ब्रेक से मजाक नहीं होता है क्योंकि ब्रेक एक आपकी बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसे बोलते हैं, इससे मजाक मत करना भाई, बाकी किसी भी चीज़ से करना, टायर ब्रेक्स ये सब बहुत वो आता है। बाकी भाई ये ऑयल अभी इसलिए लगाए ताकि एकदम धो के आएगी ना उसके बाद और प्रॉपर तरीके से अपनी चीज होगी। देख सकते हो वॉश हो जाएगी प्रॉपर तरीके से। ये हर कोई नहीं करता, ये हम तो हर कोई बंदा अपने घर काम करा करा के निकल देता है, लेकिन जब यहाँ पे काम होता है तो भाई पूरा ही काम होता है, ऐसा नहीं है कि आपको आधे में छोड़ दिया जाएगा, ठीक है, काम होगा तो पूरा ही करके देते भैया। तो कोई आवाज़ ही नहीं आती भाई चैन में से, जब जब न्यू हो जाती है ना चैन, एक बार चैन टाइट हो जाती है एकदम प्रॉपर, एकदम जिसे बोलते हैं अपनी गाड़ी प्रॉपर चलती है भाई। तो बाकी भाई ये तो छोटा मोटा अपना कराते रहना चाहिए, मैंने तो करा लिया पर मेरी आपकी मर्जी है, तो मैं कराना सही समझ रहा हूँ इसको। बाकी अब जैसे सब कुछ पैनल वैनल फिट होंगे उसके बाद ही अपनी गाड़ी जाएगी बाहर, तो ब्रेक का प्रेशर बन रहा, ब्रेक का प्रेशर बन चुका है, बैक वाले का भी भाई चेक कर देंगे, ठीक है, हम तो भाई अपना ऑयल वॉयल का अब हमने बेसिकली दो काम रह गए, फिल्टर रह गया अपने पेट्रोल का और दो तीन छोटे छोटे काम रह गए, तो जैसे ही होता चेंज मैं आपको दिखाता हूँ, पीछे का ब्रेक का देखेंगे। तो भाई देखो ये आपको मैं पहले कूलेंट का दिखा देता हूँ, ये आपको हल्का हल्का लाइट से दिख रहा होगा, ये आपका अपर है भाई, यहाँ तक होना चाहिए, बाकी कूलेंट मेरी बाइक में पूरा है। जिस बाइक को भी कूलेंट की प्रॉब्लम थी ना भाई, वही वीडियो देख लूँ मैं आपके लिए, इसके अपर होना चाहिए, आपकी गाड़ी में कूलेंट पूरा है तो कोई इशू वाली बात नहीं है, कूलेंट चेंज कराने की नीड नहीं है। बाकी जैसी नेक्स्ट सर्विस होगी तो उसमें फिर भैया बता देंगे कि कूलेंट चेंज कराने की नीड है या नहीं है। फाइनली मेरी बाइक हीट नहीं होती है वैसे भी, क्योंकि हीट होती है तो कूलेंट अपना काम इसके लिए रोकने के लिए करता है भाई, फ़ैन ऑन हो जाता है अपने आप, कूलेंट तो पूरा है, बाकी छोटी मोटी चीज़ें हैं होने वाली है, ये भी फिल्टर विल्टर डलने वाला, सर्विस अपनी कम्प्लीट होने वाली है अपनी। बाकी भाई देखो भाई सर्विस फाइनली वैसे डन हो चुकी है, फ्यूल पंप वापस लगा रहे भैया अपना टैंक जो है भाई, ये लगा नहीं क्योंकि ये नई वाली का है, तो जो भी मैं नेक्स्ट सर्विस होगी भाई उसमें नया लगवा लूँगा, भैया ने कहा कोई इशू नहीं है, नेक्स्ट वाली में लगा लेना आप, ठीक है। बाकी तो अपना कवर चल रहा है पूरा, तो उसके बाद भाई पैनल्स वगैरह लगेंगे, वॉशिंग होके आएगी, तो उसके बाद ही मैं आपको दिखाऊँगा भाई का, बाकी चेंज होने को रेट वगैरह क्या पड़गी मेरे को क्या हुआ सब आपको लास्ट में बताऊँगा। अभी फिल्टर डल चुका है नीचे, ऑयल इंजन ऑस्कर डल चुका है, फिल्टर ऑयल डल चुका है, ब्रेक्स चेक हो चुके हैं, ब्रेक्स ऑयल डल चुके हैं, ल्यूब वगैरह चैनिंग क्लीनिंग वॉशिंग सब होगी, तो बाकी भाई मैं आपको लास्ट में मिलता हूँ पैनल लगने के बाद, वॉशिंग होने के बाद उसके बाद, ठीक है। बाकी भाई फिटिंग चल रही है अपनी प्रॉपर, तो मिलते हैं अभी गाइस। तो देखो फाइनली मेरी बाइक सर्विस हो चुकी है भाई, क्योंकि वहाँ पे कुछ इशू हो गया था भाई, क्राउड और ज़्यादा, तो वह वीडियो में वहाँ पे बना नहीं पाया, तो बेसिकली देखो पहले अपनी बाइक पूरी नीट एंड क्लीन लग रही है फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है, एकदम वॉशिंग मैंने सब करा लिया, वॉशिंग मैं नहीं करा था। अब मैं आपको पैसे बताता हूँ कि भाई क्या क्या पैसे लग गए। सबसे पहले भाई कैलकुलेटर खोल रखा है, मैं बताता हूँ, 1000 रुपये का भाई इसमें मेरा ऑयल डला, 70 का इसमें इंजन का फिल्टर डला, पेट्रोल फिल्टर मेरा नहीं डला भाई, बट वो मैं नेक्स्ट टाइम डलवाऊँगा, तो अभी का मैं उसमें ज्वाइन नहीं कर रहा हूँ। और दूसरा भाई अपना क्या डलता, 290 का अपना एयर फिल्टर डला था, 290 का, प्लस भाई मैंने 400 रुपये लेबर दिए, 1760 मतलब 1760 रुपये आप बोल सकते हो, कि KTM RC 390 की पूरी सर्विस डन हो चुकी है। इसके अंदर भाई मैंने चैन ल्यूब भी कराई है, मैं आपको बता देता हूँ, देखो अलॉय हो कितना गंदा लग रहा है, इसलिए मैं चैन ल्यूब कराना पसंद नहीं करता जल्दी से भाई। तो बेसिकली मैं आपको बता देता हूँ, 1760 रुपये मैंने पे करे हैं विद, उसमें वॉशिंग भी हुई है, इसमें चैन ल्यूब भी हुई है, और इसमें जो भी पूरा सामान तामझाम खुला A to Z वो सब चीज़ हुई है। तो भाई जिन भाइयों का क्वेश्चन था कि भाई चीपेस्ट सर्विस कैसे होती है RC 390 की, 200 नहीं है प्लस 390 है भाई ये, तो उसके लिए पूरी की पूरी ये वाली वीडियो आपके लिए, कि आप ऐसी सर्विस भी करा सकते हो बाहर से अगर आप कराना चाहो तो। कितने की, 1700 कुछ रुपये की सर्विस पड़ चुकी है RC 390 की, पूरी सर्विस मैंने दिखाई आपको भाई, उसमें बस पैनल खुलते हुए बंद करते हुए नहीं दिखा पाया, क्योंकि भाई वरना बहुत 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 लंबी वीडियो हो जाएगी। तो फिलहाल मेरी गाड़ी चल रखी है देख लो, 10,000 मेरी कुछ गाड़ी चल रखी है, और उसके बाद अभी क्या करूँगा, 14,000 या 14,500 रुपये में जाके सर्विस करवाऊँगा, बाकी अभी सर्विस टोटली डन है। बाकी आप बता सकते हो कमेंट में कि भाई सर्विस कैसी थी।
थी, कैसे भाई कितनी कम कॉस्ट में सर्विस होगी आपकी, आप भी करा सकते हो। बाकी नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा भाई का, मेरे पास मिला तो। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में ऐसी अमेजिंग वीडियो के लिए। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना, लाइक कर देना।